तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज हम पतंजलि की कोरोनिल टेबलेट जो है इसका रिव्यू करने वाले हैं। पिछले 7 दिनों से मैं ये टेबलेट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, इस कोरोनिल टेबलेट में क्या क्या इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, और इस कैप्सूल जो है वो उसमें कितनी मिलीग्राम टेबलेट कंटेंट्स अलग अलग आते हैं। तो दोस्तों, ये कोरोनिल जो टेबलेट है वो पतंजलि की प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है। इसकी पूरी दोस्तों किट आती है, जिसमें एक कोरोनिल टेबलेट आता है और दूसरा जो एक बॉक्स आता है उसमें स्वसारवट्टी करके एक दूसरा ऑप्शन आता है, और एक जो है वो अणु तेल करके आता है। तीन प्रोडक्ट दिए जाते हैं कोरोनिल टेबलेट में। वन बाय वन हम तीनों का रिव्यू देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। एक्सपायरी डेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा दी गई है, 2023 को ये टेबलेट जो है वो एक्सपायर हो रही है, और इसकी प्राइस जो मेरे पास से ली गई है वो 400 रुपीज़ है। एक जो कोरोनिल टेबलेट है उसकी 400 है, और स्वसारी वट्टी जो है उसका प्राइस जो है 120 रुपये है, और जो ये अणु तेल है उसका प्राइस जो है वो 25 रुपये है। यानी टोटल मुझे ये पूरा पैकेज जो पड़ा है 400 प्लस 120 प्लस 25, यानी कि 550, 515 रुपीज़ में ये पूरा जो ये किट है वो मुझे मिला है, और मैंने यहाँ जो लोकल रिटेलर है इसका वहीं से परचेज किया है। दिव्य तेल है ये तेल जो है, उसका यूज़ आपको अपने नोज़ में, नाक में डालना है, 2 बूंदें डालनी है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है, ये ओपन कर देते हैं। मैं ये नोज़ के जो आई ड्रॉप है उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं टेबलेट का यूज़ कर रहा हूँ। अभी टेबलेट में पूरे 5-6 दिन से ले रहा हूँ। और इसकी बात करूँ मैं, कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, मेडिसिन है, और इसमें हर एक टेबलेट में 640 mg टेबलेट कंटेंट है ईच, और इसमें मेन जो है वो बहुत छोटे टाइप में लिखा हुआ है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। वो इस तरह की कुछ आती है, अगर आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर में, तो कोरोनिल टेबलेट इस तरह की है। इसको हम ओपन करेंगे अभी, इस तरह के कुछ गोलियां हैं, इस तरह की आयुर्वेदिक, इस तरह की। ये इसका जो डोज लेना है वो हर रोज खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ आपको 2 2 टेबलेट लेनी है, ऐसे 2 टेबलेट लेनी है गर्म पानी के साथ, और 2 टाइम आप ले सकते हो, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो स्वासीर वट्टी, इसमें कुछ ऐसा, और ये जो टेबलेट है इसमें 540 यानी 514 mg टेबलेट कंटेंट है इसमें इंग्रेडिएंट, और इसके इंग्रेडिएंट जो है वो मूलती कुछ लिखा हुआ है, एंड इसमें कुछ अलग अलग बहुत सारा डिटेल्स में इसमें लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो, पूरा डिटेल में पढ़ूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी 5-6 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका अच्छा इफ़ेक्ट मिल रहा है, इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसी दवाई चाहिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, और ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और एक्सपायरी डेट भी 3 साल की लगाई हुई है, तो आप कभी भी इसको ले सकते हैं। और मेड इन इंडिया का यहाँ पे सिंबल दिया है, तो आप ज़रूर इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मेड इन इंडिया, और डेट भी दिख रही है टाइम। तो ये है कुछ प्रोडक्ट, दिव्य कोरोनिल टैबलेट, इम्यूनिटी बूस्टर है ये दोस्तों, दूसरा कुछ इसका ज़्यादा वो नहीं है। और वैसे भी पतंजलि की सारी जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हर एक प्रोडक्ट का मिलता है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो पतंजलि की यूज़ करता हूँ। इसके आई ड्रॉप देखते हैं कैसे आते हैं, तो इस तरह का कुछ आई ड्रॉप्स आता है, ये आप देख सकते हैं,
इस तरह का है कुछ तेल, और ये इसका रिव्यू देना चाहता था। दो दो टेबलेट लेनी है मॉर्निंग और इवनिंग में, खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये मेरा रिव्यू जो है वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दोस्तों।